अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपसे मसूद अहमद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल द प्रो लर्नर से मुखातिब। हम अपने चैनल में ऐसी वीडियोज अपलोड करते हैं जिसके अंदर इंग्लिश को सिखाया गया है। इंग्लिश की चार स्किल्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। अक्सर लोग पूछते हैं कि वोकैबुलरी किस तरह बढ़ाई जाए, यानी कि उनकी अल्फाजों का ज़खीरा कैसे बढ़े ताकि वो जो वोकैबुलरी बढ़ेगी तो वो स्पीकिंग अच्छी कर सकेंगे, उनकी लिसनिंग अच्छी हो सकेगी। तो ये सब क्योंकि तमाम स्किल्स जो इंटीग्रेटेड हैं, लिहाजा मैं उनको यही कहूँगा कि वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए आप रीडिंग करें। तो इसी सिलसिले में आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। रीडिंग के लिए आपको हम किताबों के रिव्यू पेश करेंगे ताकि आप किताबों को पढ़ें। ना सिर्फ ये कि आपकी रीडिंग स्किल बढ़े, आपकी वोकैबुलरी बढ़े, बल्कि आपका एक कॉम्प्रिहेंशन ज़िंदगी के बारे में अंडरस्टैंडिंग और मोटिवेशन भी मिले। आज के लिए जो आपने किताब मुंतखब की है उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की लिखी हुई है और आजकल के लिहाज से ये बेस्ट सेलर किताब है और कोई पुरानी किताब नहीं है। ये इसी दौर की किताब है, इसी जनरेशन की किताब है, लिहाजा इसमें जो चीज़ें हम बयान करेंगे या फिर उसके कुछ सैलेंट फीचर्स बताएंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि ये आजकल की नौजवान नस्ल के लिए बेहतरीन किताब है और बहुत एप्लीकेबल है उनके कैरियर से मुताल्लिक। एटॉमिक हैबिट्स इसका नाम, आप इसमें भी टाइटल में मुलाहिज़ा फरमाएंगे। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या है? एटमी आदत, जौहरी आदत, बिल्कुल ये इन आदत का ताल्लुक एटम से नहीं है, मगर इसकी जो नौयत है वो एटॉमिक है। जो एटम की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं खसूसियात आप पढ़ते हैं समझते हैं कि एटम एक बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, मगर इसके अंदर कुदरत ने बेपनाह ताकत रखी है। तो ये जो ताकत है हम इसको कोरिलेट करते हैं यहाँ पर हैबिट्स के साथ। आपकी एक छोटी सी आदत आगे जाकर एक एटॉमिक इन्फ्लुएंस पैदा कर सकती है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। कोई डिस्ट्रक्टिव नहीं, बल्कि इसको आप कंस्ट्रक्टिव लें और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस किताब में देखिए, किताब तो बहुत सारी हैं मार्केट में मोटिवेशन की और लेक्चर्स भी मौजूद हैं, मगर कुछ किताबें बहुत ज़्यादा अपीलिंग होती हैं। उनमें से ये एक किताब है जिसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि एक आम फहम इंग्लिश इस्तेमाल की गई है, एप्लीकेबल है, प्रैक्टिकल है, फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ से, और कोई मुश्किल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसिंग नहीं की गई है। लिहाजा इसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल आप ही की बात हो रही है। इसमें बताया गया है कि एक छोटी सी आदत जिसको आप चेंज करते हैं पॉजिटिव पराए में और उसको नेगेटिव को छोड़ते हैं तो उसका असर कितना दूर रस होता है। एक छोटी सी आदत मल्टीप्लाई होती है, वो करते करते उसका जो रिजल्ट होता है अक्यूमलेट होता है और आपके फ्यूचर में जाके असर होता है। और जब आप साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल, यानी कि दस साल बाद आपको पता चलता है कि आपकी उस आदत ने जो आपने एक अपनाई थी कितने बड़े नतीजे मुरतब किए हैं आपकी ज़िंदगी में। तो इस लिहाज से इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको जगह जगह पे ये महसूस होगा कि ये बिल्कुल जैसे आप ही के माहौल की बात की जा रही है। इसलिए ये किताब बेस्ट सेलर है आजकल दुनिया में और पाकिस्तान में बआसानी दस्तियाब है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पढ़ें रीडिंग के, फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन एंड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज रिलेटेड टू योर कैरियर। तो मेरी आपसे ये रिकमेंडेशन होगी इस किताब के बारे में। आप इसका टाइटल मुलाहिज़ा कीजिएगा, हर जगह अवेलेबल है। दराज पे जाएं, दराज पे तलाश करें, फ़ौरन मिल जाएगी आपको, घर बैठे मिल जाएगी। इवन दो अगर आपको कहीं मुश्किल होती है तो टेलीफोन नंबर इस पर दिया जाएगा अभी इस वीडियो के अंदर, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, आपको घर बैठे इंशाल्लाह किताब मिलेगी। और मैं कहूँगा कि ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए क्योंकि किसी बहुत मशहूर मुसन्निफ़ की किताब नहीं है, एक ऑर्डिनरी मैन ने लिखी है, अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखी है, मगर उसकी ज़िंदगी सक्सेसफुल रही है। और सक्सेस क्या होती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको ज़रूर समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।